मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ही हैं प्रभु। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पहचान ही लिया मीरा। मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिनमें मेरे प्राण बसते हैं उन्हें मैं कैसे नहीं पहचानती प्रभु। वो गाड़ीवान द्वारकाधीश मंदिर में वो स्त्री और साधु महाराज तीनों आप ही थे। सत्य वो तीनों मैं ही था, किंतु अब मेरे जाने का समय आ चुका है। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। मर्यादाओं का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो संसार को क्या संदेश मिलेगा। इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा ही मेरी इच्छा है। बस एक विनती है आपसे, अब आगे अपनी मीरा से और प्रतीक्षा मत करवाइएगा। मुझे अपना वचन स्मरण है मीरा। जब संसार तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा तब मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। क्या हुआ मीरा बाई, आप ठीक तो है ना? और वो साधु महाराज कहाँ गए जिन्होंने आपका उपचार किया था? जगत के रक्षक ने स्वयं मेरी रक्षा की। इतनी सौभाग्यशाली हूँ मैं। तो क्या वो साधु महाराज ही? हाँ ललिता सखी, वो कोई और नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही थे। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह आप ही का चमत्कार है कि मीराबाई ठीक हो गई। अब तो आप ठीक हो गई हैं, अब आप क्या करेंगी? क्या हमें वृंदावन वापस लौट चलना चाहिए? नहीं। किंतु हम यहाँ द्वारिका में क्या करेंगे? वही जो आज तक करती आई हूं। गिरधर की भक्ति में इनके भजन लिखूंगी, भजन कीर्तन करूंगी। क्या हुआ मीरा भाई, आपने अचानक भजन क्यों बंद कर दिया? ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे ये दोनों। हम दोनों आपके परिवार से ही हैं बुआ मीराबाई सा। मैं रामदास हूँ। और मैं आपके भाई जैमल सा का पुत्र हीरादास। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। जब मीराबाई के सागर तट पर रहने का समाचार उनके परिवार तक पहुंचा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मीरा पर ऐसा दबाव डालेंगे कि वो वहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएं। और इसके लिए उन्हें अपने परिवार से किसे ये कार्य सौंपना था ये उन्हें पता था। मुझे ले जाने? क्यों, अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? हम सब आपको भूले कहाँ थे।
इसीलिए केसर, चमेली, श्रीधर और अन्य अनेक सेवकों को आपको लाने भेजा, पर ना आप लौटी और ना जो आपके पास आए वो लौट कर गए। जिस धाम के कण कण में प्रभु के होने का आभास हो, उस धाम को छोड़ने का नाम भी भला कोई कैसे ले सकता है। हम यहाँ रुकने नहीं, आपको साथ ले जाने आए हैं। हाँ बुआ, और इस बार हम आपका हट नहीं मानेंगे, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तात मात भ्रात बंधु, अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। ना मेरे पिता है, ना माता है, ना भाई, मेरे तो बस गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई। मैं इन्हें और इनकी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आते। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर कहती हूं। आपके हट का जवाब है हमारे पास, अब हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस जाने को तैयार ना हो जाएं। लेकिन ये नहीं बुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम दोनों इस जल को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि हम तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस नहीं जाएंगे। फिर भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, हमें परवाह नहीं। ऐसी विकट स्थिति और दुविधा से हर बार मेरे गिरधर ने ही मुझे उबारा है, इस बार भी आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों को अन्न जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। पर हां, मेरे गिरधर के धाम से जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी मुझे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक बार उनके मंदिर जाकर उनकी इच्छा तो जान ली। मीरा बाई का भजन अचानक रुक क्यों गया? हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब वो आई तो यहाँ पर अकेली आई थी, सबने उन्हें देखा भी था, फिर वो यहां से कहां गईं? लगता है मीराबाई के गिरधर गोपाल उन्हें अपने साथ ही ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा, देखो, तुम्हारे गिरधर गोपाल ने तुम्हें बुलाकर अपना वचन पूर्ण किया।
जिस अलौकिक प्रेम की प्रतीक राधा है, उसी प्रकार के अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा को मीरा ने भी साधा है। जैसे राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं, वैसे ही कालांतर मीरा का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, साथ जुड़ेगा। अमृत पीने से भले ही कोई अमर हो जाए, परंतु प्रभु प्रेम में जो विष को अमृत समझ पी जाए, वो भक्त अद्वितीय होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।